मकान बना रहे हैं अथवा दुकान या कर रहे हैं कॉलोनी का निर्माण, चट्टान सी मजबूत सीमेंट ईट एवं ब्लॉक सहित फीवर ब्लॉक, वो भी एक से एक स्टाइल में किफायती दामों पर, अभी संपर्क करें बाबा ब्रिक्स, गोकुलगांव रोड, खंडवा, दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की खंडवा के आशापुर चौकी में आज यादव समाज जो खालवा और हरसूद का है वो काफी संख्या में पहुंचा। दरअसल एक एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट के विषय में यादव समाज एकत्रित होकर आशापुर चौकी पहुंचा। एक आवेदन आशापुर चौकी प्रभारी को यादव समाज ने दिया। किस विषय को लेकर आवेदन दिया गया, क्या पूरी कहानी, चौकी प्रभारी की भी बात आपको सुनवाएंगे, यादव समाज के लोगों की भी बात सुनवाएंगे, देखें पूरी खबर। भाई साहब, आपका परिचय और इतनी संख्या में आप पीड़ित परिवार के साथ यहाँ पहुँचे, क्या है मामला? जी, मेरा नाम है कंवर यादव। कहाँ के रहने वाले? यहीं का रहने वाला हूँ। कहाँ के? यहीं का, जोगी बेड़ा का। और ये दादा रहते जामनी, इनके लड़के का एक्सीडेंट हो गया था तीन रोज पहले एक्सीडेंट हुआ था। ये कल आया मेरे पास रोते रोते, इनने बोला कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना बस वाला पैसे दे रहा, ना चौकी में कुछ लिख रहा है। मैं आया चौकी में, मेरे से बदतमीजी से बात कर राजू पाटिल ने, बोले तू क्या कर लेगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, तू कहाँ का नेता है, मेरे को नेतागिरी मतलब बताया, मैंने बहुत नेता देखे हैं। कौन है राजू पाटिल? राजू पाटिल यहाँ के चौकी प्रभारी है। अच्छा, इनने मेरे पत्र से व्यवहार करा है और अभी भी बोला उनने, यहाँ बोले तू कुछ क्या उखाड़ लेगा मेरा, बोले ये मेरे को अभी भी बोला उनने। FIR दर्ज हुई इस मामले में? FIR दर्ज अभी नहीं हुई इस मामले में। कितना टाइम हो गया एक्सीडेंट हुआ? तीन रोज हो गए। और आज गाड़ी भी लिया है सुबह से, सब कुछ कर लिया सुबह से, सबको कर लिया, सुबह सबको फोन लगा रहा, मेरे को समझाओ, ये मेरे साथ व्यवहार गलत कर रहा है। एक्सीडेंट होने के बाद बस चल रही थी रोड? यहाँ का वीडियो रिकॉर्डिंग फुटेज तीन रोज पहले खड़ी थी बस, यहाँ पाटिल साहब को पैसा दिया, सामने खड़े पैसा दिया उन्होंने पाटिल साहब को, उसके बाद में फरीद नाम का व्यक्ति है और बस का कुछ पार्षद है वहाँ गया हॉस्पिटल में भर्ती है जो लड़का, उसके पास वहाँ जाके बोला कि मैंने आए दिन मेरी गाड़ी में एक्सीडेंट होता रहता, मेरे को मालूम है क्या है, 1200 रुपये उसको डाला है फोन पे उनने, मात्र कितने 1200 रुपये अभी तक के इलाज का बोला, आप मैं नहीं दूंगा, मेरी गाड़ी में आए दिन होता रहता है, मैंने अभी पैसे दिए थाने में, बोले पाटिल साहब को एक फरीद नाम गया था लड़का, वहाँ भर्ती है हॉस्पिटल में। कहाँ के अस्पताल में? सरकारी हॉस्पिटल खंडवा। आप चाहे तो लड़के का बयान ले सकते हैं वहाँ, और आजू बाजू जो बेड का साइड में है जो पेशेंट है उनसे पूछ सकते हो, उनसे भी पूछ सकते हो कि ये कौन आया था कल व्यक्ति, उनसे बोला कि नहीं बोला हो, आजू बाजू जो पेशेंट है उनने भी सुना है, मैं रात को गया था पेशेंट से मिलने, ये मेरी कार्रवाई। अभी अभी आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहा गया प्रभारी द्वारा किया गया है कि बोले बस मैं कार्रवाई करूँगा, आपके हिसाब से मैं कर रहा हूँ, बस जब्ती कर लिया मैंने, तो मेरी कार्रवाई करा जाए कि मेरे को क्या करना चाहता है ये, धमकी दी है मेरे को इनने। किसने? प्रभारी जी ने बोले तू कहाँ का नेता है, क्या है, धारा लगा दूंगा उल्टी सीधी। दादा क्या नाम है आपका? जयराम। कहाँ के रहने वाले? जामनी। क्या हो गया था दादा ये मामला? ये मेरे बच्चे के एक्सीडेंट करा था। कब हुआ था दादा एक्सीडेंट? ये बुधवार के रोज। बुधवार कहाँ हुआ था एक्सीडेंट? ये चैनपुर फाके। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद किसने उठा कर ले गया बच्चे को, मेरा किया कोई पता नहीं। अच्छा, कहाँ है बच्चा अभी? बच्चा खंडवा में। अच्छा, क्या चाहते हैं आप आज इतनी संख्या में आए यहाँ पर? बच्चे का इलाज चाहिए, मेरा इलाज करवाना चाहते हैं। आपकी FIR दर्ज हो गई यहाँ पर? नहीं हुई सर। क्यों नहीं हुई? अभी ये मेरा पता नहीं। सर, आपका परिचय और इतनी संख्या में आशापुर चौकी लोग आए थे, क्या मामला है? मेरा नाम राजू पाटिल, चौकी प्रभारी पद के पदस्थों में। ये दिनांक 31/7 को एक एक्सीडेंट हुआ था दीपक नाम के लड़के का जामनी के पास। एक्सीडेंट के बाद में जो घायल था दीपक, वो सीधे अस्पताल गया था, अस्पताल से उसको खंडवा रेफर कर दिया था। हमारे पास में उस समय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया था रिपोर्ट लिखाने के लिए। 2 तारीख को हमको साना जांच में मिला और उसमें हमने 3 तारीख को अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है, और जो संबंधित जो वाहन है बस उसको हमने जब्ती कर ली है। ये आरोप भी लग रहे थे अभी कुछ आरोप लगा रहे थे कुछ लोग अभी जो वो उसके पीड़ित पक्ष के कुछ लोग आए थे समाजजन, कि वो इनका कहना यह था कि पुलिस हमको उससे मोटर मालिक से पैसा दिला है, जबकि कानूनन कार्रवाई हो गई है। अब पुलिस का काम ये नहीं है कि पीड़ित को कोई पैसा राशि दिलवाई जाए, वह न्यायालय से जो भी होगा क्लेम केस होगी उसमें उसको मिल जाएगी राशि। ये उनको समझाया गया, एक गब्बर नाम का व्यक्ति था जो हमारे चौकी के पीछे रहता है, उसका कहना था कि मेरे तरफ से कायमी उसमें हो जाए। उनको समझाया गया कि भैया आप जब वो उसमें चश्मदीद साक्षी भी नहीं हो, पीड़ित भी नहीं हो, और कानूनन में चश्मदीद साक्षी या पीड़ित FIR कर सकता है, वो जांच में हम FIR कर ली है।
तो इस बात को लेकर उनका यह था, अधिकांश मतलब उन लोगों का यही कहना था कि वो हमको उससे बस मालिक से पैसा दिलाया जाए, जो पुलिस का काम नहीं है पैसा दिलाना। फलदार फूलदार औषधीय पौधे सहित अन्य हर प्रकार की पौधे की संपूर्ण विस्तृत रेंज के लिए अभी संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मुंदी रोड, मिश्रा पेट्रोल पंप के पास, खंडवा कॉलोनी। गार्डन डेवलपमेंट का कार्य भी किया जाता है, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं।